हमें तो बहरहाल सदर के हुक्म की पाबंदी करनी है, इख्तसार जितना ज्यादा से ज्यादा मुमकिन होगा वो बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। फारूक सरल साहब के बाद मैं इसको गुजारिश करना चाहता हूँ फिर एक शायरा से। खवातीन, हमारे यहाँ तीन शायरात बुलाई गई, खातून की जमा होती है खवातीन, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि सिर्फ यहाँ खवातीन ही हैं। नसीम निगार साहब आए, शाइस्ता सना साहब आए, डॉक्टर सुमंद हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें शाइस्ता सना से इल्तमास किया जाए। शाइस्ता सना की गज़ल हो या गीत, दोनों में उनका जो लहजा है वो लहजा यकीनन पूरे मुशारे के सामईन को बेनतहा अजीज़ है, बेनतहा मुतासर करता है। मैं शाइस्ता सना से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से आप हजरात को नवाजें। हाँ भाई, मोहतरमा शाइस्ता सना माइक पर तशरीफ लाई हैं। सदर अली वकार ने सर पे हाथ रख के इजाजत दे दी है कि तुम्हें इख्तिसार की जरूरत नहीं। गुड बेटा, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी साल पहले मेरी हाज़िरी हुई थी, बहुत कई साल हो गए, 13-14 साल पहले यहाँ आप सबके बीच हाजिर आई थी शाहबाद। आज भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। डाइस पर बहुत ही मोतबर शख्सियात तशरीफ फरमा हैं। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ, कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। बता रहे पेश करती हूँ, देखिए चार मिसरे हाजिर करती हूँ। आजकल बाबाओं का बहुत हैज़ा फैला हुआ है, तो सबने कहा है बाबा राम रहीम पे, मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की है। चार मिसरे हाजिर करती हूँ, बता रखा। बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ी रहती हैं आप लोग, भाई इसी का नुकसान। बंदे थे जो रहीम के और भक्त राम के, बंदे थे जो रहीम के और भक्त राम के, दिन रात खा रहे थे निवाले हराम के, दिन रात खा रहे थे निवाले हराम के। जज ने सजा सुनाई उसे 20 साल की, जज ने सजा सुनाई उसे 20 साल की, 10 साल है रहीम के, 10 साल राम के, 10 साल है साल है रहीम के, 10 साल बहुत शुक्रिया, बहुत 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 नवाजिश, राजू की दुआएं मिली, मेरे लिए फख्र की बात है। मेरे ये चार मिसरे कामयाब हो गए, फिर पेश करती मैं हाजिर करती हूँ बतौर खास। बंदे थे जो रहीम के और भक्त राम के, दिन रात खा रहे थे निवाले हराम के, जज ने सजा सुनाई उसे 20 साल की, 10 साल है रहीम के, 10 साल राम के, 10 साल है रहीम के, 10 साल राम के, 10 साल है रहीम के, 10 साल राम के। बहुत बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे और हाजिर करती हूँ, बर्मा को जहन में रखिए और मेरे ये चार मिसरे सुनिए बतौर खास, देखिए पेश करती हूँ। हंसते हुए बच्चों को बिलखता छोड़ दिया, हंसते हुए
बच्चों को बिलखता छोड़ दिया, मजलूमों को हार तन्हा छोड़ दिया, मजलूमों को हार तन्हा छोड़ दिया। क्या करें, मैं हाजिर करती हूँ, बहुत शुक्रिया। हंसते हुए बच्चों को बिलखता छोड़ दिया, मासूमों को मजलूमों को हायर तन्हा छोड़ दिया। शायद बर्मा छोड़ दिया, उस गौतम ने शायद बर्मा छोड़ दिया, उस गौतम ने शायद बर्मा छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम करती हूँ आपकी समातों को, आपकी ढेर सारी दुआएं मिली, बहुत ही मोहब्बतें मिल रही हैं, इसके भी मुझे बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास देखो, उसके बाद मैं मुकम्मल गजल पेश करूंगी इंशाल्लाह, पेश करती हूँ। चार मिसरे हाजिर करती हूँ, घर घर की कहानी है। अगर बात सच हो आप सबकी ताई होनी चाहिए, पेश करती हूँ बतौर खास। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि दो बात की रोटी के लिए, हमने देखा है कि दो बात की रोटी के लिए अपना माँ बाप का। मैं हाजिर करती हूँ, बहुत शुक्रिया, मैं पेश करती हूँ। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि दो बात की रोटी के लिए, हमने देखा है कि अपना बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पेश करती हूँ आखिरी चार मिसरे और हाजिर करती हूँ, पेश करती हूँ। देखें, जब आए तो अल्लाह हो, जब जाए तो अल्लाह हो, जब आए तो अल्लाह हो, जब जाए तो अल्लाह हो, हर सांस का हक लोगों यूं ही तो अदा होगा, हर सांस का हक लोगों यूं ही तो अदा होगा। ईमान की बदौलत ही हर शख्स को जन्नत में, ईमान की बदौलत ही हर शख्स को जन्नत में अरे ये आ जाओ भाई, वापस आओ। ये सब लोग कह रहे हैं कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं और आप चली गई, बताइए कोई बात ही। वो ठीक है, आपने पाबंदी की है, हुक्म की, अलग इशादत बंदी है आपकी, लेकिन आपकी जरूरत अभी थोड़ी देर है। अल्लाह का शुक्र है, उर्दू है ये, हिंदी है, सब समझ लेती हूँ। हाँ, बहुत दो तीन शेर सुना दो गजल के।
मुझे गीत के लिए हुक्म आया है, आपके हुक्म की तामील करूंगी इंशाल्लाह। मैं पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी मैं, बिल्कुल। मैं चार मिसरे और हाजिर, नहीं मैं एक गजल का मतलब दो तीन शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास। बस बस पेश कर, ये अच्छा क्या है ये? क्या ये पैसे नहीं लिए जाते बेटा? पैसे हमसे ले जाओ आके तुम। मतलब हाजिर करती हूँ बतौर खास, पेश करती हूँ। आप बहुत ही खूबसूरत सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं एक गजल का मतला दो तीन शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास, उसके बाद इंशाल्लाह जो आपका हुक्म है मैं गीत पेश करूंगी। हाजिर करती हूँ। आजकल मेरी दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली मेरी खिड़की के पर्दे। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते। और गजल का शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखिए। आजकल मेरे दीदार के वास्ते ये मोहब्बत रखती हूँ, पेश करती हूँ। इश्क मोहब्बत प्यार पहले भी होता था, आज भी होता है। आज फेसबुक इंटरनेट का जमाना, फर्क क्या है, पेश करती हूँ बतौर खास, देखिए। आजकल मेरे दीदार के वास्ते रोह को छोड़कर जिस्म से प्यार है, जिस्म देखो लबगार है, रोह को छोड़ के जिस्म से प्यार है, जिसको देखो लबगार है, क्या मोहब्बत की पाकीज़गी के लिए नौजवानों के दिल अब धड़कते नहीं, आजकल दीदार के वास्ते उसकी के तारे चमकते नहीं। और अच्छे दिन आए, अच्छे दिनों की तस्वीर हाजिर करती हूँ, आप सबकी अदालत में रखती हूँ, देखिएगा, पेश करती हूँ। आजकल मेरे दीदार के वास्ते मौसमों पर लगी आज किसकी नजर, घुंचा घुंचा लहू से हुआ तल पतल,
देखें। आज कल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं, दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं, ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में फूल कागज के हो तो तारे क्या कहने? नहीं। बहुत अच्छे। हाँ पौधे मैं गीत के लिए हूँ, फिर मैं हाजिर करती हूँ, पेश करती हूँ, बता रहा मैं हाजिर करती हूँ जिस गीत के लिए हूँ, मैं पेश करती हूँ। देखिए दिल डसता है ना तो प्यार डसता है, दिल डसता है ना तो प्यार डसता है, अखियों को तेरा इंतजार डसता है, दिल डसता है ना तो प्यार डसता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत देर से आप लोग बहुत खामोश हैं, आप भी दाद दे सकते हैं। सारी जिम्मेदारी आपने ले रखी है, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत सलीके से सुन रहे हैं। चार मिसले एक मतला हाजिर करती हूँ, बतौर खास देखिए पेश करती हूँ। बेहिसी हो लिखी जिसकी तकदीर में, उसको अपना बनाने से क्या फायदा, उसको अपना बनाने से क्या फायदा, डसता है ना तो प्यार डसता है, दिल डसता है ना तो प्यार डसता है, अखियों को तेरा इंतजार डसता है, दिल डसता है ना तो प्यार डसता है। और बल हाजिर करती हूँ। अच्छा नहीं लगता है दिल ये सुहाना, अच्छा नहीं लगता है दिल ये सुहाना, विनती करूँ तो से मेरी बात ना भुलाना, विनती करूँ तो से मेरी बात ना भुलाना, जाके बायरिया सजन से बताना, जाके बायरिया सजन से बताना, सुने सुने घर में सिंहार डसता है, दिल डसता है ना तो प्यार डसता है, अखियों को तेरा इंतजार डसता है, दिल डसता है ना तो प्यार डसता है, दिल डसता है ना तो प्यार डसता है, दिल डसता है ना तो। मैं भूल रही हूँ, माफ कीजिएगा, बहुत पुराना गीत है। कोई बात नहीं, अगर आप कहें तो मैं एक मुखड़ा और एक बंद एक दूसरे गीत का सुना दूं, पेश करती हूँ, बता रहे लेकिन एक ही बंद सुनाना बस। हाँ मैं माफ कीजिए एक ही बंद सुनाऊंगी, पेश करती हूँ, देखिए। जब बाग में कोयल बोली तो, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, मेरे तन मन को महका गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। बन पेश करती हूँ। जब तेज हुई दिल की धड़कन सजने लगा खाबों का आंगन, जब तेज हुई दिल की धड़कन सजने
اچھے بھائی بہت شکریہ آپ کا۔